सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और ये मेरा पहला वीडियो है लाइफ साइंस के ऊपर। आई नो कि मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं कर रही, मैं उस चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मेजॉरिटी बच्चों को डाउट रहता है, या डाउट नहीं भी रहता तो भी वो क्या करते हैं, रट्टाखोरी करते हैं, रटते हैं, दे ट्राई टू क्रैम एवरीथिंग, मगअप करने का कोशिश करते हैं। देखो, ऐसा मत करो। अगर पढ़ाई का मज़ा उठाना है ना, कभी भी रटा मत करो। लाइफ साइंस में तुमको नाम याद रखना पड़ेगा, लेकिन कैसे रहोगे? बार बार मल्टीपल रिविजन्स के बाद याद होगा, ठीक है? तो रटना कभी भी नहीं। अगर तुमको रटने का इतना ही शौक है, नहीं दीदी मेरे को रटना ही पड़ेगा और कुछ नहीं, तो पहले समझ लो, कंसेप्ट को समझ लो, उसके बाद रटो भाई। लेकिन जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है, जो जानता है कि मैं खुद ही बना लूँगा भाई, मेरे को बस समझ में आ जाए, तो बस कंसेप्ट पे फोकस करो। योर मेन फोकस शुड बी कंसेप्ट। मैं तो यही करती थी, ठीक है? तो तुम्हारा भी फोकस कहाँ रहना चाहिए? कंसेप्ट को समझने के लिए। तो हम लोग शुरुआत करेंगे रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स नर्वस सिस्टम के साथ। आई नो दीदी आप हॉर्मोन्स नहीं पढ़ाएं, आप आगे आ गई इस चैप्टर के ऊपर, मतलब इस पार्ट के ऊपर। देखो बेटा, अगर मैं अभी पढ़ा रही होती तुमको हॉर्मोन्स वाला टॉपिक, तो वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, इस पर मैं टच अपॉन नहीं कर पाती। और ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आता ही है और डाउट भी रह जाता है बच्चों को। डाउट ना रहे इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। सो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के साथ। देखो, सबसे पहले मेरी एक कहानी को सुन लो यार, सुनो। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले, जब मैं छोटी थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन मुझे कुत्तों से डर लगता था, अभी भी लगता है, पहले और भी। तो समय था दिवाली का। देखो, मैं बेकार का स्टोरी नहीं सुना रही हूँ, स्टोरी का कुछ रिलेशन है इसीलिए। समय था दिवाली का। तो दिवाली का शाम था, पापा घर पे आए, पापा बोले कि पूजा जाओ और बगल के दुकान में फूल मिल रहा है, वहाँ से फूल ले आओ। तुम लोग जानते हो ना, रोड पे ऐसे फूल वाले आंटी या अंकल बैठे होते हैं, वहाँ से फूल ले आओ। तो मैं बोली ठीक है, मैं लेके आती हूँ। मैं गई फूल लेने, और रास्ते में फूल लेके जब मैं लौट रही थी, आई वॉज रिटर्निंग, मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा, एक डॉगी। एंड दिस इज़ रियल लाइफ इंसिडेंट, मैं मेड अप नहीं, कुछ भी ऐसा बना के नहीं बोल रही। मेरे पीछे पड़ा डॉगी। और होता क्या है ना, जब एक डॉगी भौंकते हुए आपके पीछे पड़ता है, तो उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी आपके पीछे भागने लग जाते हैं। तो मैं दौड़ रही हूँ और मेरे पीछे 4-5 डॉगीज जो है दौड़ हैं। मेरे को एकदम डर लग गया, मेरे ब्रेन को समझ में आ गया था कि पूजा मुसीबत में है। तो मेरा ब्रेन क्या करने लग गया, मेरा ब्रेन मेरे हार्ट बीट को बढ़ा दिया। तो हुआ क्या, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया। हाँ दीदी, यस यस। फिर मेरा धक 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 हो रहा है एकदम, मेरा सांस फूलने लग गया, यानी मेरा ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, मैं ज़्यादा सांस लेने लग गई। सांस फूलना मतलब ज़्यादा सांस लेने लग गई। लेकिन क्या तुमको लगता है ये बेफिजूल का हो रहा था, ये यूं ही बॉडी को मन कर रहा है तो वो सांस फूलने लग गया, हार्ट बीट तेज हो गया? नहीं, तुम्हारा बॉडी तुम्हारा मदद कर रहा था। हम मेरा बॉडी मेरा मदद कर रहा था मुझे बचाने के लिए। कैसे दीदी? देखो, हमारे हर एक ऑर्गन को, बॉडी के हर एक हिस्से को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो क्या ऑक्सीजन हवा भर जाता है बॉडी में? नहीं, ये ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है। और ब्लड कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच पाता है? जब हार्ट पंप करता है। देखो, हार्ट एक पंपर की तरह है, हार्ट पंप करता है खून, डिफरेंट ऑर्गन्स तक उसे पहुंचाता है, तो हार्ट उसे पंप करता है। अच्छा दीदी, मतलब बॉडी के हर एक हिस्से को ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कैसे जाएगा? ब्लड के जरिए। ब्लड कौन पहुंचाएगा? हार्ट पहुंचाएगा। तो मेरा ब्रेन जानता है, ओ माय गॉड, पूजा बहुत ही भयंकर सिचुएशन में, कुत्ते उसके पीछे भाग रहे हैं, तो एक काम कर, लंग्स तू ज़्यादा सांस लेने लग जा, तू ज़्यादा सांस ले, ज़्यादा ऑक्सीजन ले, ठीक है? तो लंग्स ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करने लग गया, और तू जो ऑक्सीजन ले रहा है वो ब्लड में डाल भाई, तू ब्लड में डाल। और हार्ट तू धक 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 तेज करने लग जा, जल्दी 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 हार्ट बीट कर, ताकि तेरे मसल्स तक, पूजा के मसल्स तक क्या पहुंच पाए? खून पहुंच पाए। मेरे मसल्स तक खून पहुंचेगा तो मेरे मसल्स को मिलेगा ऑक्सीजन,
और मेरे मसल्स तेज भाग के निकल पाएंगे। मैंने क्या बोला, जब मैं मुसीबत में थी मेरे पीछे चार कुत्ते दौड़ रहे थे, तो हुआ ये कि मेरा लंग्स ज़्यादा सांस लेने लग गया, ज़्यादा ऑक्सीजन मेरे ब्लड में पहुँचने लग गया, तो हार्ट उसे पंप करके मसल्स तक पहुँचाने लग गया ताकि मसल्स तेज़ी से काम करके सिचुएशन से बाहर निकल पाए। बात समझ पाए? तो ये तुम्हारा बॉडी कर क्या रहा है? तुम्हारा बॉडी आपस के ऑर्गन्स के साथ समझौता कर रहा है। तो देख, पूजा मुसीबत में है, तो तू क्या कर, तू ज़्यादा सांस ले, तू क्या कर, तू ज़्यादा ब्लड पंप कर, और मसल्स तू जल्दी जल्दी भाग ताकि पूजा निकल पाए। बात समझ रहे हो? ये जो खासियत है तुम्हारे ऑर्गन्स का आपस में ढल जाने का, आपस में समझौता कर लेने का कि ओके वी विल डू दिस मच ऑफ वर्क सो दैट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पूजा निकल सके इस सिचुएशन से, इस खासियत को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ऐसा कभी सुने हो, कभी ग्रुप प्रोजेक्ट में बैठे हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीज कोऑर्डिनेट अमंग योरसेल्फ्स। कोऑर्डिनेट का मतलब आपस में मिलजुल कर काम करो, कोऑर्डिनेट। तो तुम्हारे ऑर्गन्स आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, ऐसा नहीं लंग्स ऐसा नहीं बोलता, नहीं नहीं मैं तो सांस लूंगा ही नहीं, जा तू निकल, ऐसा नहीं। लंग्स भी सहायता करता है, इजंट इट, आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली व्हेन योर बॉडी अडैप्ट्स टू द सिचुएशन, व्हेन योर ऑर्गन अडैप्ट्स टू द सिचुएशन। मतलब जब तुम्हारा बॉडी का ऑर्गन सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालता है, जब लगा कि कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भाग रहे हैं तुम्हारे पीछे, तो तुम्हारा लंग्स जानता था कि अब समय आया है ज़्यादा सांस लेने का। तो ये जो खासियत है इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। दीदी ये कैसे हो रहा है? ये तुम्हारे बॉडी में दो सिस्टम्स होते हैं जिसके मदद से ये होता है। तुम्हारे बॉडी में दो सिस्टम होते हैं जिसके मदद से ये होता है। एक तो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, नर्वस सिस्टम, ठीक है, और दूसरा एंडोक्रिन सिस्टम। यदि पहली बार नाम सुने हैं, एंडोक्रिन सिस्टम का नाम पहली बार कैसे सुन सकते हो? इसके प्रीवियस चैप्टर तो वही था। तुम्हारा हॉर्मोन्स, तुम्हारा हॉर्मोन भी मदद करता है तुम्हें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने में या उससे डील कर पाने में। कैसे दीदी? जो पिछला चैप्टर पढ़े हैं उनको पता होगा, मतलब प्रीवियस पार्ट हार्मोन का। एक हार्मोन होता है बेटा एड्रिनलिन, नहीं पढ़े हो तो घबराने की बात नहीं है, अगर ये हो जाएगा तो उसके बाद मैं वो भी स्टार्ट करूँगी, नो प्रॉब्लम। बट एक तुम्हारा हार्मोन होता है एड्रिनलिन, उसे पता क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फाइट हार्मोन। क्यों? क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में तुम्हें बच के निकलने में मदद करता है। जब तुम्हारे बॉडी में एड्रिनलिन रिलीज होता है तो वो तुम्हारे हार्ट को ज़्यादा पंप करने पे मजबूर करता है। तो एड्रिनलिन एक हार्मोन है, लेकिन वो भी मदद कर रहा है, ठीक है। सो तुम्हारे बॉडी में वैसे तो दो सिस्टम्स होते हैं जो तुमको ऐसा मदद करते हैं कि तुम्हारे ऑर्गन्स एक पर्टिकुलर सिचुएशन से डील कर सके, आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। इस वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम के बारे में। बिलीव मी, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ योर लाइफ साइंस, सेकेंड मोस्ट एवोल्यूशन चैप्टर, वो भी मेरे को बड़ा मस्त लगता था। तो समझ में आया व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? ये बात समझ में आया कि दीदी हमारे ऑर्गन्स जो आपस में डील कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे तो पूजा इस सिचुएशन से निकल जाएगी, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और ये किसके मदद से होता है? ये दो सिस्टम्स के मदद से होता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्रिन सिस्टम। क्लियर हो गया? यस दीदी, मैं इसको मिटाती हूँ, तुम कंफ्यूज नहीं होगे। अब बेटा ध्यान से सुनो। अच्छा आई एम रियली सॉरी अगर तुमको एक अजीब सा साउंड आ रहा है, क्योंकि उस रूम में पंखा चल रहा है, भैया बैठा है, तो ऑफकोर्स मैं उसको ऐसा तो नहीं कह सकती कि पंखा बंद कर दो, तो पंखा चल रहा है, लेकिन तुम्हारा फोकस कहाँ होना चाहिए? मेरे आवाज़ पे और मेरे हरकतों पे, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो तो दीदी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल समझ में आ गया। स्टिम्यूलस क्या होता है? स्टिम्यूलस दो टाइप के स्टिम्यूलस होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। पहले सुनो, घबराओ मत, तुमको समझ में ज़रूर आएगा। स्टिम्यूलस दो टाइप के, एक्सटर्नल, ओके दीदी, इंटरनल। अच्छा अच्छा, स्टिम्यूलस क्या होता है? मेरे आसपास या मेरे अंदर हो रहे हरकतें जो मुझे कुछ करने पे मजबूर कर देते हैं, मेरे आसपास या मेरे अंदर हो रही हरकतें
जो मुझे कुछ करने पे मजबूर करते हैं उसको बोलते हैं स्टिम्यूलस। दीदी एग्जांपल दीजिए। पहले बेटा ये याद रखो, दो टाइप के स्टिम्यूलस होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल का समझाते हैं। मेरे आसपास गर्मी है, मेरे आसपास टेम्परेचर बहुत गर्म है, मेरे आसपास बहुत गर्मी है, तो मेरे अंदर से एक रिस्पॉन्स पैदा हुआ कि मैं जाके पंखा चला दूं। समझ में आ रहा है? तो मेरे आसपास हो रहे चेंजेस जो मेरे अंदर एक रिस्पॉन्स जगाते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टिम्यूलस। स्टिम्यूलस कुछ नहीं है, वो चेंजेस जो रिस्पॉन्स को जगा दे उसी को स्टिम्यूलस कहते हैं। अगर वो मेरे आसपास हो रहे चेंजेस है, मेरे बॉडी के बाहर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टिम्यूलस। एग्जांपल बेस्ट वाला दी हूँ, हीट। मेरे आसपास गर्मी है, मेरे अंदर एक रिस्पॉन्स पैदा हुआ कि मैं पंखा चला दूँ। समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टिम्यूलस। दीदी इंटरनल, ओके, जैसे अभी मेरा करंट सिचुएशन, मेरे पेट में भूख लगा है तो मेरे अंदर से रिस्पॉन्स आया कि मैं कुछ खा लूँ। तो मेरे अंदर हो रहे चेंजेस जो मेरे अंदर एक रिस्पॉन्स जगा रहे हैं, मेरे अंदर हो रहे चेंजेस जो मेरे अंदर रिस्पॉन्स जगा रहे हैं उसी को बोलते हैं इंटरनल स्टिम्यूलस। तो स्टिम्यूलस है क्या? स्टिम्यूलस वो चेंजेस हैं, वो हो सकता है कि मेरे आसपास हो या फिर मेरे अंदर ही हो, लेकिन अगर वो मेरे अंदर से एक रिस्पॉन्स पैदा करवा रहा है तो वो एक स्टिम्यूलस है। बेस्ट एग्जांपल हीट। हीट मेरे आसपास है और वो मेरे को मजबूर कर रहा है पंखा चलाने पे, तो ये है एक एक्सटर्नल स्टिम्यूलस। हंगर, भूख, ये मेरे अंदर हो रहे चेंजेस हैं जो मुझे खाने पे मजबूर कर रहा है, इसको बोलते हैं इंटरनल स्टिम्यूलस। बात क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो रिसेप्टर, जो जो हो जा रहा है उस पर टिक लगाती हूँ। रिसेप्टर, मैं बिल्कुल इस टॉपिक के साथ हड़बड़ी नहीं करूँगी, ठीक है, मैं एकदम एकदम डिटेल में लेके जाऊँगी। समझ में आ रहा है? मैं कभी टॉपिक के साथ हड़बड़ी नहीं कर सकती। आई वॉन्ट इट टू बी डन विथ परफेक्शन, दैट्स ऑल। अब आ जाओ रिसेप्टर। ओ माई गॉड दीदी, वॉट इज रिसेप्टर? सुनो, बॉडी का वो हिस्सा, बॉडी का वो पार्ट जो इस चेंजेस को रिसीव करता है। गर्मी है, मेरा स्किन इस गर्माहट को रिसीव करता है। बड़ा थोड़ा सा ऐसा मत सोचना दीदी क्या बोल रही है, लेकिन एक एग्जांपल तुमको फनी लगे इसीलिए। मान लो एक हैंडसम सा लड़का खड़ा है, तो मेरे आँख, मेरा बॉडी का वो हिस्सा जो इस चेंज को रिसीव कर रहा है, इस चीज़ को रिसीव कर रहा है, समझ रहे हो? मैंने फुचका खाया, मेरा टंग जो इस मस्त से स्वाद को रिसीव कर रहा है उसको बोलते हैं रिसेप्टर। बॉडी का वो हिस्सा जो आसपास हो रहे चेंजेस या अंदर ही हो रहे चेंजेस को रिसीव करता है उसी को बोलते हैं रिसेप्टर। समझ में आया? रिसेप्टर यानी जो रिसीव करे। देखो आर ई सी से रिसेप्टर, आर ई सी से रिसीव। क्या रिसीव करे? देखो हम सब जानते हैं हमारे पांच सेंस ऑर्गन्स होते हैं, पांच ऑर्गन्स होते हैं जिनके बदौलत हम चीज़ें सेंस कर पाते हैं। क्या क्या है? बचपन से पढ़ के आए हो, आँख, नाक, कान, टंग, स्किन, ये पढ़ के आए हो तुम बचपन से। देखो आईज, ईयर, नोज, स्किन, टंग, ये सब पढ़ के आए हो, इजंट इट? तो ये सारे तुम्हारे रिसेप्टर ही तो हैं। आँख के बदौलत तुम देखते हो, ईयर के बदौलत सुनते हो, टंग के बदौलत टेस्ट करते हो, स्किन के बदौलत फील करते हो, नाक के बदौलत सूंघते हो। तो ये तुम्हारे सेंस ऑर्गन है, लेकिन ये तुम्हारे रिसेप्टर्स भी तो हुए, क्योंकि इनके बदौलत ही तुम आसपास के चेंजेस को रिसीव कर पाते हो, ठीक है। तो इनके स्पेशल नाम है बेटा, देखो आईज। आईज को हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर, क्योंकि इसके बदौलत तुमको दिखता है, फोटो रिसेप्टर याद रहेगा, ये मोस्ट कॉमन है। ईयर, ईयर को कहते हैं फोनो रिसेप्टर। मैं बार बार रिसेप्टर लिखी नहीं हूँ, लेकिन तुमको आइडिया मिल रहा है, राइट? आई को कहते हैं फोटो रिसेप्टर, ईयर को कहते हैं फोनो रिसेप्टर। कैसे याद रहेगा? फोन, कान में ही तो लगाते हैं। ईयर को कहते हैं फोनो रिसेप्टर।
नोज को कहते हैं ऑल्फैक्टर रिसेप्टर। तो ये कैसे याद रहेगा? देखो ओल से होल को याद करो। अरे ओल शब्द सुन के होल नहीं याद आता है? राइमिंग वर्ड है ओल होल। तो दीदी ओल शब्द सुन के होल याद आता है, और होल तो नाक में होता है, तो ये क्या हुआ? कानों में भी होता है, बट कान का तो याद हो गया ना फोनो। होल तो नाक में होता है, इसीलिए नाक के लिए है ऑल्फैक्टर रिसेप्टर। ऑल से होल याद आ जाएगा, ठीक है? सो ये हो गया ऑल्फैक्टर रिसेप्टर नोज के लिए। स्किन के लिए टैंगो रिसेप्टर। देखो इंग्लिश में एक वर्ड होता है बेटा टैंजिबल। तुम अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा प्यार है तुमको मेरे तरह, तो तुम जानते हो टैंजेंट एक शब्द होता है, लेकिन जिसको नहीं पता वो टैंजिबल से याद रखे। टैंजिबल एक इंग्लिश वर्ड होता है, इसका मतलब होता है टच, इसका मतलब होता है टच। तो तुम स्किन के बदौलत ही तो टच को फील करते हो, इसलिए स्किन को हम कहते हैं टैंगो रिसेप्टर। स्किन को कहते हैं टैंगो। टैंगो टैंजिबल शब्द से आया है जिसका मतलब होता है टच, ठीक है दीदी? क्लियर हुआ? फिर जो टंग है तुम्हारा, टंग जब गुस्सा आता है ना, तो इसी टंग के बदौलत हम गालियां देते हैं दूसरे को, उल्टा सीधा कहते हैं दूसरे को। तो टंग का इस्तेमाल गुस्से में काफ़ी किया जाता है, इसलिए टंग को कहते हैं गुस्टैटो रिसेप्टर। गुस्टैटो रिसेप्टर तो याद करो, आई फोटो रिसेप्टर, ईयर फोनो रिसेप्टर, नोज ऑल्फैक्टर रिसेप्टर, टंग गुस्सा आता तब यूज करते हैं गुस्टैटो रिसेप्टर। स्किन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? टच को फील करने के लिए, तो टैंगो रिसेप्टर। समझ में आ गया? याद रहेगा बच्चों, ठीक है? अब दीदी रिसेप्टर समझ में आ गया, स्टिमुलस आ गया, कोऑर्डिनेशन आ गया, इफेक्टर भी समझा ही दीजिए। एक लड़की मेरे बगल में खड़ी है, वो जानती है कि पूजा का फैशन एकदम बकवास है। बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी फैशन सेंस नहीं है, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों मन भी नहीं होता है। खैर वो लड़की मेरे बारे में बुरा भला बोलती है, आलतू फालतू बोलती है, और मेरे कानों को, मेरे फोनो रिसेप्टर को ये सुनाई दे दिया। मेरे ब्रेन के पास ये इन्फॉर्मेशन गया, मेरे ब्रेन ने एनालाइज किया कि ये जो कह रही है ये तारीफ कर रही है या बुरा भला बोल रही है। फिर ब्रेन एक डिसीजन पे पहुंचा कि नहीं नहीं ये बुरा भला बोल रही है, ठीक। ये इन्फॉर्मेशन मेरे हाथों को गया, मेरा हाथ उठा और एक चाटा मैंने उस लड़की को मारा। समझ में आ रहा है? एक थप्पड़ मैंने उसको जोर से मारा। तो बॉडी का वो हिस्सा जो रिस्पॉन्स शो करता है उसी को कहते हैं इफेक्टर। मैंने क्या बोला? मेरे बगल में खड़ी है एक लड़की मेरे बारे में मजाक उड़ा रही थी, मेरे फोनो रिसेप्टर को सुनाई दिया कि ये तो बदतमीजी कर रही है, मेरे बारे में मजाक उड़ा रही है। मेरे ब्रेन ने एनालाइज किया कि ये जो वर्ड्स बोल रही है ये तारीफ कर रही है या फिर मजाक उड़ा रही है। फिर मेरा ब्रेन एक डिसीजन पे पहुंचा, नहीं नहीं ये मजाक ही तो उड़ा रही है। मेरा हाथ को इन्फॉर्मेशन गया, मेरा हाथ उठा और एक थप्पड़ उसको खींच के मारा मैंने, राइट? तो मेरे बॉडी का वो हिस्सा जो रिस्पॉन्स शो करता है उसी को कहते हैं इफेक्टर। एक दो एग्जाम्पल और दे दीजिए ना। ओके सुनो, मैं ऐसे रोड पे आराम से चल रही थी और मैंने देखा एक फुचका को, फुचके वाले अंकल खड़े थे। मेरे फोटो रिसेप्टर्स ने, आईज ने फुचके को देखा, मेरे नोज ने, ऑल्फैक्टर रिसेप्टर ने उसके सुगंध को सूंघा, और सूंघते ही मेरे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन गया, ओ माय गॉड ये तो फुचका है, चल चल जाओ पूजा जाके खाओ। तो उसने इन्फॉर्मेशन दिया मेरे पैरों को कि तू चल। तो रिस्पॉन्स के रूप में मेरा पैर चलने लग गया। तो मेरे बॉडी का वो हिस्सा जो रिस्पॉन्स शो करता है उसी को कहते हैं इफेक्टर। समझ में आया बेटा? कोऑर्डिनेशन यानी मेरे बॉडी के आपस में ऑर्गन्स ढलने लग जाते हैं मुझे एक पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए। सेकंड, स्टिमुलस यानी मेरे आसपास या मेरे अंदर हो रहे चेंजेस जो मेरे अंदर से एक रिस्पॉन्स को पैदा करते हैं। थर्ड, रिसेप्टर्स यानी कि बॉडी का वो हिस्सा जो आसपास हो रहे चेंजेस को रिसीव करता है। स्टार्टिंग का वीडियो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है,
इसमें मैं पूरा फंडामेंटल तुम्हारा क्लियर करने वाली थी और मैंने किया, आई होप। अगर वीडियो पसंद आए बेटा लाइक दबा दो प्लीज़, अच्छा लगता है मुझे। साथ ही साथ कमेंट में लिखो अगर तुम्हारा कोई डाउट है या अगर तुमको पसंद आया, जो भी मन है लिख दो भाई, लेकिन गालियाँ मत लिख देना। लेकिन बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात, शेयर ज़रूर करो। जब तुम शेयर करते हो, देखो तुम्हारे ही शेयर करने के कारण 380 सब्सक्राइबर्स तक हुआ है। और एक मेरी स्टूडेंट है जिसने बहुत ही अच्छा कमेंट में मुझे बोला कि दीदी वी आर नॉट सब्सक्राइबर्स, वी आर योर स्टूडेंट्स। मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे मुंह पे एक स्माइल आ गया। आई डोंट रिमेंबर द नेम बट मेरे मुंह पे एग्जैक्टली एक स्माइल आ गया। और मैंने सोचा कि ना ना, तुम लोग ना ही सब्सक्राइबर हो ना ही स्टूडेंट हो, तुम लोग तो मेरे भाई बहन जैसे हो। तो मेरे भाइयों बहनों, और भी मेरे भाइयों बहनों तक ये पहुँचाओ वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।